तरक्की करें। 2014 के बाद से हमारे सीएम साहब ने, क्योंकि हमारे सीएम साहब का विजन बहुत अच्छा है, वो चाहते हैं कि हमारी स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे और हमारे स्टेट में अमन रहे और बिजनेस बढ़े। आज हमारी जो फांसी इंडस्ट्री फांसी इंडिया में नंबर वन फांसी है तो हमारे तेलंगाना स्टेट की है, इसलिए सीएम साहब तेलंगाना को बहुत डेवलप कर रहे हैं और आज हमारे जो यहाँ से बिजनेस मैन आए हुए वो सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस स्टेट में अच्छा बिजनेस होता है वहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसी की वजह से, हमारे तेलंगाना में फीस की वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखते हैं जो आपका एक्सपो है आज खासतौर से ये इलेक्ट्रिकल एक्सपो है, इसमें जब तक पावर नहीं रहा तो आपका नहीं चल सकता इलेक्ट्रिकल सामान। तो हमारा तेलंगाना बनने से पहले आप जानते हैं इंडस्ट्रीज को 3 दिन के लिए हॉलीडे देते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलते तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगाते थे। आज हम आप देखते हैं हमारे स्टेट में पावर सप्लाई स्टेट है, किसानों को फ्री करंट देते हैं और कभी भी ब्रेक डाउन नहीं है बहुत देर करंट के अंदर, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज़ है। मैं देखता हूँ क्योंकि मैं ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ओल्ड सिटी के अंदर इंटीरियर मकानों में भी लिफ्ट लगाया जा रहा है, पहले लिफ्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं था क्योंकि लिफ्ट में बैठते करंट बंद आता था, बीच में अटक जाते। आज पुराने शहर में जो बिल्कुल ओल्ड सिटी के अंदर इंटीरियर बस्ती है वहाँ पे लोग ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बनाते हैं तो लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ दिन पहले गया था तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी बिल्डिंग पुरानी है मगर चूँकि पहले पावर नहीं था इसलिए हम लिफ्ट नहीं लगाते थे, आज हमें पावर बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है इंप्रूविंग कर रहा हूँ इसलिए हम लिफ्ट लगाए। तो यकीन हमारे तमाम जो बिजनेस मैन यहाँ पर है मुझे ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है रिसर्च इलेक्ट्रिकल।